नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि संचार क्या है, संचार की प्रक्रिया क्या है, संचार की बाधाएं कौन कौन सी हैं और प्रभावशाली संचार के टूल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि संचार क्या है। कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन, टू शेयर, अर्थात सामान्यीकरण किसी सूचना का, किसी विचार का। जब हम कोई सूचना, कोई विचार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं तो उसे संचार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संचार वह प्रक्रिया है जिसमें हम सूचनाओं, विचारों, भावनाओं, अनुभवों आदि का आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम आमने सामने बैठकर अपने किसी मित्र से बात करते हैं तो वह भी संचार है, जिसको हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन बोलते हैं या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जब कक्षा में कोई अध्यापक पढ़ाता है तो वह भी संचार है, ग्रुप कम्युनिकेशन। इसी तरीके से किसी से टेलीफोन पर बात करना, व्हाट्सएप आदि पर जो हम चैटिंग करते हैं, या किसी नेता का कोई भाषण है, वह भी संचार कहलाता है। संचार की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। अलग अलग विद्वानों ने संचार की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, सबने अपने अनुसार संचार की व्याख्या की है। सबसे पहले केट डेविस के अनुसार, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जॉन एडायर के अनुसार, कम्युनिकेशन इज एसेंशियली द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू मेक कॉन्टेक्ट विद अनदर एंड मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो आप डायग्राम देख रहे हैं, उसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। इसमें जो कम्युनिकेशन के कॉम्पोनेंट्स हैं, सबसे पहले सेंडर, फिर मैसेज, फिर एनकोडिंग, फिर चैनल, फिर रिसीवर और फिर डिकोडिंग। ये सब एक सिक्वेंस में लगे हुए हैं। डिकोडिंग करने के बाद रिसीवर फीडबैक भेजता है सेंडर को, जिससे सेंडर को प्रतिपुष्टि मिलती है अपने संदेश की। यहाँ पर नॉइस एलिमेंट है जो चैनल में बाधा उत्पन्न करता है, टेक्निकल भी हो सकती है और ये आपके लैंग्वेज रिलेटेड भी हो सकती है, किसी भी प्रकार का बैरियर हो सकता है। लेकिन जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, उसमें कम्युनिकेशन के ये डिफरेंट एलिमेंट, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ये एक सिक्वेंस में लगे होते हैं। डिकोडिंग करने के बाद जब फीडबैक सेंडर को मिल जाता है तो सेंडर दोबारा से आपका रिसीवर बन जाता है और वो दोबारा से संदेश को भेजता है और आपका रिसीवर जो है वो सेंडर बन जाता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन का ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। जो हम बोलते हैं कि संचार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, वो इसी तरीके से है कि आपका सेंडर रिसीवर बन जाता है जब फीडबैक को ग्रहण करता है, और आपका रिसीवर सेंडर बन जाता है जब वो फीडबैक को भेजता है, और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। ये नेक्स्ट डायग्राम भी आप देख रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को दर्शाता है। इसमें नॉइस एलिमेंट है जो हमारा चैनल और मैसेज और रिसीवर के बीच में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, संदेश को सही रूप से नहीं पहुंचने देता है और एक बैरियर के रूप में काम करता है। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले सेंडर, जिसे एनकोडर भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने संदेश को भेजने से पहले उसे अच्छे से फ्रेम करता है, जिसे प्राप्तकर्ता उसको सही ढंग से ग्रहण कर सके। और संचार का लक्षित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सेंडर विभिन्न साइन एंड सिंबल्स आदि का भी प्रयोग करता है, जिससे उसका उद्देश्य सही रूप में प्राप्त हो सके और उसको एक्सपेक्टेड अपना फीडबैक मिल सके। सेंडर जो है वो एक व्यक्ति, समूह या कोई संस्था भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रेनिंग मैनेजर नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देता है तो वह नए कर्मचारियों को संस्था के बारे में अवगत कराता है। प्रभावशाली संचार के लिए कई बातें निर्भर करती हैं कि संचारक का बैकग्राउंड क्या है, उसकी नॉलेज क्या है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। तभी आपका मैसेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है एनकोडिंग। एनकोडिंग की प्रक्रिया सेंडर द्वारा की जाती है। सेंडर अपने विचारों व भावों को बोले जाने वाले शब्दों में बदलता है और अपने विचारों की एनकोडिंग करता है। एनकोडिंग के बाद वह विचार या भाव एक संदेश बन जाते हैं, मैसेज बन जाते हैं। एनकोडिंग की प्रक्रिया से संदेशों को संकेतों, चिन्हों के रूप में बोलकर या लिखकर भी संप्रेषित किया जा सकता है। संचार की प्रक्रिया पूरी करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता संदेश की डिकोडिंग उसी अर्थ में करे जिसमें कि उसकी एनकोडिंग की गई है, तभी संदेश का सही अर्थ निकल सकता है। नेक्स्ट है हमारा मैसेज, संदेश। संदेश कोई भाव, जानकारी, विचार, सूचना आदि कुछ भी हो सकते हैं। संदेश संचार की प्रक्रिया का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। यह कोई भी अर्थपूर्ण संदेश होता है जिसका संप्रेषण किया जाता है। संचार में संदेश का मुख्य उद्देश्य संचार का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका संदेश स्पष्ट नहीं होगा तब तक रिसीवर उसकी सही प्रकार से डिकोडिंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा चैनल, माध्यम। संचार की प्रक्रिया में माध्यम के द्वारा ही संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। यह माध्यम हमारे वर्बल, नॉन वर्बल कुछ भी हो सकते हैं। संचार के प्रकार के अनुसार माध्यम का चुनाव किया जाता है और प्रत्येक माध्यम की अपनी खामियां और खूबियां हैं। उदाहरण के लिए किसी छोटे से अगर व्यक्तियों के समूह के साथ कोई संदेश देना है हमको, तो हम लिखित संचार भी प्रयोग कर सकते हैं, जबकि मौखिक संचार वहां प्रयोग किया जाएगा जहां पर हमको तुरंत प्रतिपुष्टि चाहिए है, जिससे प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे और संदेश आपका तुरंत ही क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। क्योंकि जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे, ओरल कम्युनिकेशन करेंगे, तो हमको रिसीवर के फेशियल एक्सप्रेशंस या उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी फीडबैक मिल जाएगा और हमारा मैसेज तुरंत ही कन्वे हो जाएगा। और अगर कोई कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो भी तुरंत ही क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है डिकोडिंग। डिकोडिंग की प्रक्रिया संचार में प्राप्तकर्ता के द्वारा की जाती है। संचार में डिकोडिंग एनकोडिंग के समान ही आवश्यक कारक है। यदि रिसीवर सही से संदेश को नहीं सुनता या उसका बैकग्राउंड नॉलेज संदेश को समझने के लिए सेंडर से बिल्कुल भिन्न है, तो संचार के सफल होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। संचार के प्रभावशाली होने के लिए आवश्यक है कि सेंडर और रिसीवर के जो एक्सपीरियंसेस हैं, नॉलेज है, बैकग्राउंड है, वो एक दूसरे से मिलते हों, तभी वह संदेश की सही व्याख्या कर सकता है और संदेश को उसी रूप में ग्रहण कर सकता है जैसा रिसीवर हमारे सेंडर ने भेजा है। नेक्स्ट है हमारा रिसीवर, जिसे हिंदी में हम प्राप्तकर्ता कहते हैं। यह वह व्यक्ति होता है जो संदेश को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, जिसके लिए संदेश भेजा गया है। संदेश की सही डिकोडिंग रिसीवर की कई बातों पर निर्भर करती है, कि जैसे कि उसका बैकग्राउंड क्या है और उस संदेश के प्रति उसके रिएक्शंस क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, तभी एनकोडिंग और डिकोडिंग के बीच में तालमेल कैसा है, तभी वह सही से मैसेज को ग्रहण कर पाएगा। फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस का लास्ट एलिमेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा सेंडर को अपने भेजे गए संदेश के प्रभाव के बारे में पता चलता है। फीडबैक की सहायता से ही सेंडर को पता चलेगा कि रिसीवर या डिकोडर ने उसके भेजे गए संदेश की सही व्याख्या की है या नहीं की है। फीडबैक वर्बल, नॉन वर्बल दोनों हो सकता है। वर्बल आपका आप बोलकर, लिखकर किसी प्रकार से फीडबैक दे सकते हैं, और नॉन वर्बल आप फेशियल एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी फीडबैक दे सकते हैं। अब आते हैं हमारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के अवरोधक कौन कौन से हैं या संचार में बाधाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि बैरियर होता क्या है। बैरियर एन ऑब्स्टेकल इन अ प्लेस दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम कम्प्लीटिंग सर्टेन टास्क। संचार बैरियर उसको बोलते हैं जो हम कोई काम करना चाहते हैं और उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल है जो उस काम को पूरा नहीं करने दे रहा है, तो उसे बैरियर कहा जाता है।
इसी प्रकार कम्युनिकेशन बैरियर संचार के अवरोधक उन्हें कहा जाता है जो प्रभावशाली ढंग से विचारों के आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न करते हैं या अवरोधक होते हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसमें संचार के जो अवरोधक हैं उनको दिखाया गया है। सबसे पहले है हमारे फिजिकल एनवायरमेंटल बैरियर, जिन्हें हम भौतिक अवरोधक कहते हैं। भौतिक अवरोधक आपके टाइम, प्लेस, स्पेस, क्लाइमेट, नॉइज या चॉइस ऑफ मीडियम के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैरियर कॉज्ड बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम। ये इस प्रकार के अवरोधक होते हैं कि यदि हमने संदेश को पहुंचाने के लिए गलत माध्यम का चुनाव कर लिया है तो यह भी संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसानों के लिए कोई कार्यक्रम देना है या किसानों को कोई सूचना देनी है और उसके लिए हमने कोई इंग्लिश का न्यूज़ चैनल या इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर माध्यम के रूप में चुना है, तो हमारा संदेश, हमारे लक्षित जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, हमारे किसान हैं, उन तक सही रूप में नहीं पहुंच पाएगा और जो कम्युनिकेशन गैप आएगा और जो कम्युनिकेशन में बैरियर होगा वो होगा कि हमने गलत माध्यम का चुनाव कर लिया, इस वजह से हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। नेक्स्ट है सिमेंटिक बैरियर, जिसे अर्थगत अवरोधक भी कहते हैं, जिसमें भाषा, साइन एंड सिंबल्स का गलत प्रयोग या उसका सही तरीके से प्रयोग ना करने के कारण संचार में अवरोधक पैदा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल बैरियर, सांस्कृतिक अवरोधक, जो हमारे सांस्कृतिक विविधता के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल, जिसे हम मनोवैज्ञानिक अवरोधक कहते हैं। यह हमारे मूड्स, एटीट्यूड्स, रिलेशनशिप, इन पर निर्भर करते हैं, इनके कारण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा परसेप्शन बैरियर, जिसे हम दृष्टिकोण अवरोधक कहते हैं, जो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि यदि व्यक्तियों के अलग दृष्टिकोण है तो वो किसी बात को अलग तरीके से ग्रहण करेंगे, जिसके कारण संचार में अवरोधक उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिकल बैरियर या भौतिक अवरोधक क्या होते हैं। भौतिक अवरोधक के अंतर्गत संचार के समय होने वाले शोर, किसी वाहन का हॉर्न या किसी की आवाज कम आना या चैनल में डिस्टरबेंस होना, टेक्निकल फॉल्ट या जिससे संचार बाधित होता है, उसे फिजिकल बैरियर हम कहते हैं। कई बार संचार प्रक्रिया में भौतिक अवरोधकों को आसानी से दूर किया जा सकता है, जबकि कई बार प्रभावशाली संचार में बहुत बाधा भी ये उत्पन्न करते हैं। जैसे कि यदि हम बाह्य उपकरणों को ठीक करके फिजिकल बैरियर को दूर कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, कोई व्यक्ति दूर से आपके साथ बात कर रहा है, चिल्लाकर बोल रहा है और आपको उसकी आवाज समझ नहीं आ रही है, या वो हकला रहा है या उसकी आवाज क्लियर नहीं है, तो उसको हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ फिजिकल बैरियर ऐसे हैं कि जैसे बात करते टाइम कोई गाड़ी पास से गुजर गई है उसका हॉर्न है, कोई फाइटर प्लेन गुजर गया है उसका हॉर्न है, या फिर आपका ध्यान एकदम से टीवी की तरफ हो गया है, दोबारा आपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया है, तो कुछ फिजिकल बैरियर्स ऐसे होते हैं जिनको दूर किया जा सकता है तुरंत ही, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको दूर नहीं भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक बैरियर, जिसे अर्थगत अवरोधक कहते हैं। ये भाषा से संबंधित होते हैं, जिसमें भाषा से जुड़ा कोई भी पक्ष संचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यदि सेंडर और रिसीवर द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा में भिन्नता है अथवा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो दोनों में ही जानते हो लेकिन दोनों उसका अर्थ अलग अलग समझते हो, तो संचार सफल व प्रभावशाली नहीं हो पाता है। इसी प्रकार यदि संचार में साइन एंड सिंबल्स, जो हम चिन्हों, संकेतों, शब्दों या व्याकरण का प्रयोग करते हैं, वह सही तरीके से नहीं किया जाता, तो भी हमारा जो संचार है, उसका संदेश है, उसका अर्थ अनर्थ हो सकता है और दोनों के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि हमारा हिंदी में एक जगह लिखा, हिंदी व्याकरण का किस तरीके से शब्दों का, कॉमास का प्रयोग करके हम मैसेज अलग हो जाता है हमारा, उसका एग्जाम्पल है एक रोको मत जाने दो।
अब इसी को अगर यदि किसी ने रोको के बाद में ही कॉमा लगा दिया तो उसका हो जाएगा रोको मत जाने दो। दोनों ही बातों में जो अर्थ है वो अलग है, लेकिन एक कॉमा लगाने से ही अर्थ का बिल्कुल विपरीत अर्थ निकल जाता है कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो इसलिए सिमेंटिक बैरियर किस तरीके से कम्युनिकेशन में अवरोधक पैदा करते हैं और किस तरीके से उनको दूर किया जा सकता है, सही शब्दों, सही साइन एंड सिंबल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए और जिन्हें रिसीवर भी जानता हो और वो भी उसे उसी प्रकार से डिकोड करे, तभी कम्युनिकेशन हमारा सक्सेसफुल होगा और सिमेंटिक बैरियर्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल बैरियर, सांस्कृतिक अवरोधक। संस्कृति, समाज और भाषा तीनों का ही आंतरिक संबंध बहुत ज्यादा होता है। अलग अलग संस्कृति के लोगों का सोचने, समझने या किसी विषय पर चर्चा करने, व्याख्या करने का ढंग अलग अलग होता है। किसी विषय को लेकर किसी व्यक्ति का नजरिया कैसा है, यह उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अलग अलग संस्कृति के समान शब्दों के अर्थ भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतः सफल संचार के लिए बहुत जरूरी है कि सेंडर और रिसीवर दोनों को एक दूसरे की संस्कृति से अवगत होना चाहिए ताकि संचार में सांस्कृतिक अवरोधक ना आ सके। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर या जिसे हम मनोवैज्ञानिक अवरोधक कहते हैं। मनोवैज्ञानिक अवरोधक सेंडर और रिसीवर की मनोस्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि सेंडर किसी संदेश को भेजते समय उदास है, डरा हुआ है, चिंता में है या उसका स्वभाव अंतर्मुखी है तो वह संदेश की एनकोडिंग सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार दूसरे सिरे पर यदि रिसीवर को सेंडर पर ट्रस्ट नहीं है या वह किसी अन्य कारण से मेंटली डिस्टर्ब है या किसी अन्य विचारों में खोया हुआ है तो भी वह उस संदेश को सही से ना सुन पाएगा और ना ही सही से उसको डिकोड कर पाएगा। तो इस प्रकार अगर मनोवैज्ञानिक स्थिति दोनों की सही नहीं है तो भी हमारा जो ये मनोवैज्ञानिक अवरोधक संचार में बाधा उत्पन्न करेंगे और हमारा संचार सफल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा परसेप्चुअल बैरियर जिसे दृष्टिकोणीय अवरोधक कहते हैं। यह बहुत ही सामान्य सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना मत होता है, अपना दृष्टिकोण होता है किसी विषय को लेकर, सबका अपना नजरिया है। यदि किसी विषय पर चर्चा करते हैं हम तो संचार में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना ओपिनियन देता है। व्यक्तियों के जो प्रीवियस दृष्टिकोण है, वैल्यूज है या कोई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है वो एज अ फिल्टर का काम करते हैं उनकी परसेप्शन को डिसाइड करने में। उदाहरण के लिए यदि हम ट्रेन से ट्रेवल करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यदि किसी व्यक्ति का ट्रेन से ट्रेवल करना अच्छा अनुभव रहा है तो वो उसे उसी नजरिए से देखेगा, लेकिन जिसका अच्छा अनुभव नहीं रहा है तो वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर ही जो कन्वर्सेशन में पार्ट लेगा और उसके बारे में बात करेगा। तो व्यक्ति की जो परसेप्शन है वो अलग अलग होती है, दृष्टिकोण, नजरिया अलग अलग होता है और उनके जो प्रीवियस एटीट्यूड्स हैं किसी चीज को लेकर या उनके जीवन के जो अनुभव हैं वो एज अ फिल्टर काम करते हैं किसी उससे रिलेटेड अन्य बातों को डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से जो संचार के अवरोधक हैं उनको दूर किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले है टेकिंग द रिसीवर मोर सीरियसली, कि आप रिसीवर को अच्छे से समझें और उसके अकॉर्डिंग ही अपना संदेश भेजें एनकोड करके ताकि वो आपके मैसेज को सही से डिकोड कर सके। नेक्स्ट है क्लियर मैसेज, कि आपका संदेश बहुत स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन या थॉट्स की या लैंग्वेज की या आपकी ग्रामर की इस तरीके की नहीं होनी चाहिए जिससे कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। मैसेज आपका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। डिलीवरिंग मैसेज स्किलफुली, कि आपको जो मैसेज है वो बहुत ही स्किलफुली डिलीवर करना चाहिए, कन्वे करना चाहिए कि जिसमें कि कोई डिकोडिंग करते समय कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फोकसिंग ऑन द रिसीवर, जब हम बात करते हैं तो अपने रिसीवर को फोकस करके बात करें, कम्युनिकेशन करते हैं रिसीवर को फोकस करके कम्युनिकेशन करें कि रिसीवर का इंटरेस्ट क्या है,
उसका फीडबैक आ रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमको, और उसके अकॉर्डिंग हमको अपना कम्युनिकेशन करना चाहिए रिसीवर के साथ। नेक्स्ट है इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट फीडबैक, कि इंश्योर करना चाहिए कि आपको एप्रोप्रिएट फीडबैक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और फीडबैक के अकॉर्डिंग आपको अपने कम्युनिकेशन को करना चाहिए। कि अगर आपको फीडबैक मिल रहा है कि रिसीवर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आपको उस बात को और इंटरेस्टिंग वे में कहना चाहिए और फीडबैक के आधार पर ही अपना मैसेज डिजाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड, कि अपने ख्यालों में भी आपको क्लियर होना चाहिए, अपने थॉट्स में भी क्लियर होना चाहिए। जब सेंडर अपने मैसेज को स्पष्टता के साथ एनकोड करके भेजेगा, तभी रिसीवर उसको सही तरीके से ज्यों का त्यों डिकोड कर पाएगा। टूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के टूल्स हैं बी ब्रीफ, कि आप ब्रीफ में रखें, बहुत लंबा चौड़ा ना हो, जो जरूरी बातें हैं वो सारी हो। गुड लिसनर, अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। जब आप संचार को, संदेश को सही से सुनेंगे, तभी उसका सही ढंग से रिप्लाई कर पाएंगे, फीडबैक दे पाएंगे, और तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका हो पाएगा। क्लैरिटी, स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत जरूरी है, क्लैरिटी ऑफ चैनल होना बहुत जरूरी है, कि कहाँ से आपको संदेश भेजना है, किस प्रकार भेजना है, ये बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। प्रोनंसिएशन, उच्चारण आपका सही होना चाहिए। जब आप उच्चारण सही करोगे, तभी जो सही अर्थ है किसी शब्द का, किसी वाक्य का, वो निकल पाएगा। भाषा को यूज करते समय ग्रामर का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ आएंगे, इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू। इससे संबंधित यदि आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।